सेकेंड यूनिट इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट एंड पेडी। वीट और पेडी के जो इंसेक्ट पेस्ट है उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। अब जो वीट का जो इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, हमारे सिलेबस में एक ही है, दैट इज वीट स्टेम बोरर एंड दैट इज सेस्मा इनफेरेंस, ठीक है। इसकी जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा, ठीक है। ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा एंड फैमिली इज नॉक्ट्यूड, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑल ओवर द इंडिया इन वीट ग्रोइंग रीजन, ठीक है। वीट ग्रोइंग रीजन में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट आर कॉमनली, ठीक है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में ही कहाँ पाए जाते हैं, इन चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, ठीक है। होस्ट प्लांट जो मेन होस्ट प्लांट दैट इज वीट, ठीक है। बट अल्टरनेटिव होस्ट कौन से हो सकते हैं, दैट इज मेज, ज्वार, बार्ले, पैडी एंड शुगर केन, दैट आर अल्टरनेटिव होस्ट, ठीक है। ये जो एक्टिविटी शो करते हैं दैट इज एट नाइट टाइम, मींस ये कैसे है नॉक्ट्यूरनल, ठीक है। अब जो लाइफ साइकिल है इसकी एक इज 30 to 45 डे, ठीक है। और इसकी जो जनरल अपियरेंस है दैट इज इनका जो कलर होता है दैट इज फॉग कलर, ठीक है। एंड जो विंग्स होते हैं दैट आर ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। एंड जो स्टिक होती है, बॉडी की जो स्टिक होती है दैट इज डार्क ब्राउन, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होती है दैट इज 15 to 20 mm लेंथ, ठीक है। एंड 35 mm वाइड विंग, जो विंग्स की विड्थ होगी दैट इज 35 mm, ठीक है। लेंथ होगी दैट इज 15 to 20 mm, ठीक है। अब लाइफ साइकिल कंपोज होती है एग से, ठीक है। एग हैच होता है इनटू कैटरपिलर लार्वा, ठीक है, एंड कैटरपिलर लार्वा प्यूपेट्स, ठीक है, इनटू प्यूपा, ठीक है, एंड प्यूपा कन्वर्ट इनटू अडल्ट, ओके। जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, एग होते हैं दैट आर बीड लाइक, ठीक है, एंड लीड इनटू रो ऑफ 30 to 100 एग, ठीक है, एंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ सीथ। जो लीफ सीथ होती है उसके लोअर पोर्शन पर ये लेड किए जाते हैं, ठीक है। और ये किसे कंपोज होते हैं, 30 to 100 एग, ठीक है। मींस कैसे, जैसे कि ये हो गई लीफ सीथ, ठीक है। अब इस पर ऐसे इस प्रकार से अरेंज होंगे एग, ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ एग होंगे दैट आर 200 to 300, ओके। जो एग है आफ्टर 6 to 7 डे के इंक्यूबेशन के बाद, ठीक है, कैटरपिलर लार्वा में कन्वर्ट होता है, मींस हैच आउट होता है। जो एग से हैच आउट होगा दैट इज कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। कैटरपिलर लार्वा के पास क्या होगी, जो उसका हेड होगा दैट इज ऑरेंज रेड हेड, ठीक है, एंड उसकी जो बॉडी होगी दैट इज पर्पलिश पिंक, ठीक है, और जो वेंट्रल पोजिशन होगी दैट इज व्हाइट, ठीक है, दैट इज कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इनटू प्यूपा में, ठीक है। प्यूपा के पास क्या होगा, पर्पल हेड होगा और डार्क ब्राउन बॉडी, ओके। उसके बाद प्यूपा कन्वर्ट होगा इनटू अडल्ट, ठीक है। अडल्ट के पास क्या होगी, विंग्स होगी, एक मीड एक स्टिक होगी, ठीक है, ये स्टिंग हो गई, ठीक है, एंड दैट आर आई हेड, ठीक है, एंड एब्डोमन, ठीक है। एब्डोमन मीन्स यहाँ पर क्या क्या बोला गया, स्टिक, ठीक है, एंड क्या है यहाँ पर, विंग प्रेजेंट है, फोर विंग एंड हाइंड विंग प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है दैट इज 15 to 20 mm लेंथ, ठीक है। अब जो डैमेज कोज कर रहा है वो कौन डैमेज कोज कर रहा है, दैट इज कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। जो कैटरपिलर लार्वा होगा, ठीक है, वो किस पर अटैक करेगा, यंग स्टेम पर, ठीक है, यंग स्टेम पर अटैक करेगा और इसको डैमेज कर देगा, ठीक है। अब इसका जो कंट्रोल होगा वो कैसे होगा, कि हमारा जो फील्ड है, ठीक है, जिसमें वीट ग्रोन है, ठीक है, उसकी जो ग्रास है, ग्रास वीड है, उसको रिमूव कर दे, ठीक है, एंड और क्या करें, जो इन्फेक्टेड स्टेम है, ठीक है, उनको रिमूव कर दे, ठीक है, और क्रॉप रोटेशंस, ठीक है, एंड थर्ड इज की जो स्प्रे होगी, ठीक है, वो होगी 35% एंडोसल्फिन, ठीक है, सुड बी स्प्रे एट रेट ऑफ 1 liter पर हेक्टेयर, ठीक है, और 5% BSC और DDT एट रेट ऑफ 7 to 8 kg पर एकर शुड बी अप्लाई एज टेस्ट, ओके। दैट इज नेक्स्ट है जो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पेडी, ठीक है। जो पेडी का जो फर्स्ट इंसेक्ट है दैट इज राइस गंडीवर्क, ठीक है, साइंटिफिक नेम इज लेपिडोकोरिसा वर्कोनिश, ठीक है। क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिपटेरा एंड फैमिली इज कोरेडिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एंड जो मेन होस्ट होगा दैट इज पेडी, ठीक है, पेडी प्लांट, बट अल्टरनेट होस्ट आल्सो प्रेजेंट दैट इज मिलेट, ज्वार और मेज, ठीक है। हैबिट्स क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। लाइफ साइकिल कंपोज ओवर 4 to 5 weeks, ठीक है। इसमें जो स्टेज आएगी दैट इज अग,
एग, ठीक है, सेकेंड स्टेज दैट इज निम्फ एंड थर्ड इज एडल्ट, ठीक है। एग कैसे होंगे, 20 to 30 एग इन 3 रो ऑन द लीफ ऑफ पेडी, ठीक है। मीन्स ये जो एग होंगे दैट आर प्रेजेंट इन रो, ठीक है, ठीक है, और जो एग होंगे दैट आर ब्लैक इन कलर, ठीक है, एंड ओवल इन शेप एंड फ्लैट, और इन जो एग होंगे उनका मार्जिन कैसा होगा, दैट इज कनकेव, ठीक है, और जो लेंथ होगी एग की दैट इज 1 mm इन लेंथ, ठीक है, दैट आर एग, ठीक है। एग हैच आउट इनटू निम्फ, ठीक है, और यहाँ पर जो इनक्यूबेशन पीरियड होगा दैट इज 5 to 8 डेज, ठीक है, 5 to 8 डे के इनक्यूबेशन के बाद एग से निम्फ हैच आउट होगा, ठीक है। निम्फ का जो अपियरेंस होगी दैट इज पेल ग्रीन इन कलर, ठीक है, एंड इसकी जो लेग है दैट आर लॉन्ग, ठीक है, और निम्फ अंडरगो 5 मोल्टिंग स्टेज, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट इनटू अडल्ट, ठीक है, एंड निम्फ डिडंट कॉन्टेन विंग्स, यहाँ पर विंग्स एब्सेंट होती है, ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड लेता है 5 मोल्टिंग के लिए दैट इज मीन्स अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लेगा, दैट इज 15 to 18 डेज, ठीक है, आफ्टर 5 मोल्टिंग के बाद 15 to 18 डेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अडल्ट में, ठीक है। अडल्ट के पास क्या होंगे, विंग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर डेवर्ड ऑफ विंग्स थे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, डेवलप विंग डेवलप होंगे, ठीक है, एंड इसका जो लाइफ स्पेन होगा दैट इज 30 to 35 डे, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 20 mm, ठीक है, और लाइट ब्राउन इन कलर, ठीक है, एंड हैव 4 ज्वाइंटेड एंटीना, ये इसके एंटीना हो गए, ठीक है, एंड लॉन्ग लेग्स, और इसकी जो लेग होगी दैट आर लॉन्ग, ओके। इसमें जो डैमेजिंग स्टेज होंगी दैट आर बोथ निम्फ एंड अडल्ट, ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो यंग ग्रेन होंगे, ठीक है, उनसे सेल सैप सक करेंगे, ठीक है, मीन्स ये मिल्की सेल सैप सक करेंगे फ्रॉम यंग ग्रेन, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिमूव विल्ड ग्रास, ठीक है, एंड रिमूव दी एग मास, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय और या इन्फेक्टेड जो प्लांट है उनको रिमूव करके, ठीक है, और जो यदि इन्फेक्शन प्रेजेंट है इन दी फील्ड तो क्या करेंगे, राइस प्लांट डस्टेड बाय 0.25% BSC और 5% मेल्टोइन। नेक्स्ट इज राइस ग्रास ऑपर, ठीक है, ये भी क्या हमारे पेडी का इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, इसका जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा, ठीक है, ऑर्डर दैट इज ऑर्थोपटेरा एंड फैमिली एक्रेडिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है इसका, जो दैट इज मेनली इन पेडी ग्रोइंग एरिया, ठीक है, एंड मेन होस्ट होगा दैट इज पेडी प्लांट, ठीक है, और जो अल्टरनेटिव होस्ट आल्सो प्रेजेंट दैट इज मेज ज्वार बाजरा एंड सुगर के, ठीक है। हैबिट्स क्या है इसकी, दे अपियर इमीडिएटली आफ्टर रेन, ठीक है, मीन्स रेनी सीजन के बाद ही इनका अपियरेंस होता है, ठीक है। एग प्रेजेंट होते हैं बट आफ्टर रेनी सीजन दे हैच आउट, ठीक है। जो मेल डाई आफ्टर कोपुलेशन एंड फीमेल डाई आफ्टर ओविपोजिशन, ठीक है। द अडल्ट हैव लॉन्ग हाइंड लेग्स, ठीक है, जो लेग्स की जो साइज है, हाइंड लेग्स की जो साइज है दैट आर लार्ज, ठीक है। ग्रास ऊपर सबने देख रखा है, ठीक है, वैसी शेप होती है इसकी। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ठीक है। एग निम्फ और एडल्ट 3 स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग आर लेड इन मासेज ऑफ 30 to 40 एग्स, ठीक है। एग मीन्स क्लस्टर के फॉर्म में एग लेड होते हैं, ठीक है। दे हैच आउट इन जून जुलाई एंड टिल दे लाई डोरमेंट, ठीक है, मीन्स ये क्या होंगे, जून जुलाई में ही हैच आउट होंगे, ठीक है। उससे पहले ये कैसे प्रेजेंट होंगे, डोरमेंट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद जो हैच आउट के बाद में जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज निम्फ, ठीक है। एग किस में हैच आउट होंगे, इनटू निम्फ में, ठीक है। निम्फ होते हैं दैट आर ग्रीन कलर, ठीक है, एंड वर्कोसियस फिटर, ठीक है, एंड ग्रो फ्रॉम सेप्टेम्बर, ठीक है, एंड इट अंडरगो 5 to 6 मोल्टिंग स्टेजेस, ठीक है, एंड निम्फ कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, ठीक है। अब जो निम्फ होगा उसके पास विंग एब्सेंट होंगे, बट जो अडल्ट होगा उसमें क्या होंगे, जो
विंग्स होंगे दैट आर परचेंट, ठीक है, मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ विंग्स की होगी, ठीक है। निम्फ चेंज इनटू अडल्ट, ठीक है, अडल्ट स्टार्ट मेटिंग जस्ट आफ्टर अडल्टहुड, ठीक है। अब डैमेज कौन काज करेंगे, दोनों ही निम्फ और अडल्ट दोनों ही क्या करेंगे, डैमेज कोज करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये लीफ पर फीड करेंगे, ठीक है, लीफ और टेंडर शूट्स पर, ठीक है। कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल होगा बाय दी 0.02% डाई एल्ड्रिन, ठीक है, और 30% एल्ड्रिन और 0.04% हेप्टोकोलोर, ठीक है, एंड मिथाइल पार्थोइन आर सप्रेट, ठीक है, और 5% बीएससी डस्टिंग कैन कंट्रोल इट, ओके। नेक्स्ट है हमारा जो राइस टेम्पोरल, ठीक है, और इसकी जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा, ठीक है, ऑर्डर लैपिडोप्टेरा एंड फैमिली इज पायरालिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मेनली ऑन कोस्टल रीजन्स, ठीक है, एंड इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज की फर्स्ट स्टेज होगी दैट इज एग, ठीक है, फिर लार्वा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल होगी एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, इसमें जो एग लेड बाय फीमेल दैट आर प्रेजेंट इन बंच, ठीक है, और जो ये जो बंच होगा 2 to 5 egg 2 to 10 to 100 eggs, ठीक है, इतने एग्स का बंच की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और जो एग होंगे दैट आर फ्लैट ओवल, ठीक है, एंड व्हाइट इन कलर, ठीक है, डर्टी व्हाइट इन कलर, ओके। उसके बाद जो लार्वल स्टेज होगी दैट इज कैटरपिलर लार्वा, ठीक है, यहाँ पर जो लार्वल एग हैच आउट इनटू कैटरपिलर लार्वा, एंड यहाँ पर जो एग का इंक्यूबेशन पीरियड होगा दैट इज 6 to 8 hours, ठीक है, 6 to 8 hours के बाद जो एग हैच आउट होंगे इनटू कैटरपिलर लार्वा, ठीक है, और ये जो कैटरपिलर लार्वा होगा उसका साइज होगा 10 mm, ठीक है, एंड ये क्या करेगा, जो स्टेम है उसमें बोर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एंड क्या करेगा, स्टेम के जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, डेड, ठीक है, मीन्स डेड हर्ट की फॉर्मेशन यहाँ होगी, ओके, जो डेड मटेरियल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो कैटरपिलर लार्वा होगा दैट ग्रो इन 20 to 30 days, ठीक है, एंड इसका जो साइज हो जाएगा दैट इज 2.5 cm, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज आएगी दैट इज प्यूपा, ठीक है। अब जो प्यूपा की फॉर्मेशन होगी वो कहां पर होगी, इनटू स्टेम, स्टेम में क्यों होगी, क्योंकि ये बोर की फॉर्मेशन करके कहां चला गया था, स्टेम में, ठीक है, उसी स्टेम में प्यूपा की फॉर्मेशन होगी। जो प्यूपा का अपियरेंस होगा दैट इज येलो इन कलर, ठीक है, एंड येलो इन कलर एंड गिव वेलवेट लाइक अपियरेंस, और इसका जो अपियरेंस होगा दैट इज वेलवेट लाइक, ठीक है, येलो कलर और वेलवेट लाइक इन अपियरेंस, एंड इट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज आएगी दैट इज अडल्ट, अडल्ट की फॉर्मेशन होने के बाद मीन्स ये कहां पर हो रही थी, स्टेम में, ठीक है, अब ये स्टेम से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड डैमेज, यहाँ पर डैमेज कौन काज कर रहा है, कैटरपिलर लार्वा काज कर रहा है, ठीक है, स्टेम में बोर की फॉर्मेशन करके, ठीक है, उसके अंदर का जो मटेरियल उस पर फीड कर रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे हो सकता है, सप्रे बाय 0.03% फोजोमाइडोन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 600 liters पर हेक्टेयर, ठीक है, एंड 6% लिंडेन शुड बी स्प्रे इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज राइस बीटल एंड दे साइंटिफिक नेम इज हिस्पा आर्मिग्रा, ठीक है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड फैमिली इज क्रायोसोमेल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसका ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, और जनरल अपीयरेंस क्या है, इनकी जो बीटल होते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, बीटल ऑफ अबाउट, और इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 10 mm इन लेंथ, ठीक है, एंड इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, ब्लैक ब्लिस्टर, ठीक है। अब हैबिट्स होंगी वो क्या होंगी, अडल्ट लाइव ऑन पैडी लीव्स एंड फीड,
लीफ पर, पैडी के लीफ पर लाइव करते हैं और वहीं पर फीड करते हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल होगी दैट इज 20 to 30 days की, ठीक है। और लाइफ साइकिल किन स्टेजेस में होगी, एग, ठीक है, उसके बाद ग्रब लार्वा, ठीक है, और उसके बाद प्यूपा एंड अडल्ट, ठीक है। एग ले सिंगल मीन्स फीमेल ले दी एग इन सिंगल, ठीक है, नॉट इन बंच या इन क्लस्टर, ठीक है। और कहाँ पर एग ले करेगी, इन द टिश्यू ऑफ यंग लीफ, ठीक है। और ये जो टिश्यू होंगे और जहां पर एग ले करेगी वो कहाँ पर होंगे, क्लोज टू टिप, मीन्स जो लीफ होंगे उसकी जो टिप होगी, ठीक है, उसके क्लोज एग ले करेगी, ठीक है। एग से जो हैच आउट होगा दैट इज ग्रब, ठीक है, ग्रब लार्वा, ठीक है। ये कितने दिन के इनक्यूबेशन पीरियड के बाद हैच आउट होगा, दैट इज आफ्टर 6 to 10 days, ठीक है, लार्वा कम आउट, ठीक है, दैट इज ग्रब लार्वा, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, जो लीफ टिश्यू है उसमें पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, एंड जो लीफ टिश्यू है, ठीक है, एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन ग्रीन मैटर, ठीक है, ग्रीन मैटर पर फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ग्रब लार्वा के बाद जो चेंजमेंट होगा वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ग्रब प्यूपेट इन साइड द ब्रो ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ के ब्रो में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्यूपा में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्टेज दैट इज अडल्ट एंड लास्ट स्टेज, ठीक है, आफ्टर 7 days, ठीक है, प्यूपा से का किस में कन्वर्ज हो जाएगा इनटू अडल्ट में, ठीक है, बाय पंचूरिंग द एपिडर्मिस, ठीक है। और इसमें जो डैमेज कॉज कर रहा था दैट इज ये दोनों ही स्टेज दैट इज अडल्ट एंड ग्रब दोनों ही क्या कर रही थी, कॉज डैमेज कॉज कर रही थी, ठीक है। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बीटल को या मैनुअली कलेक्ट करके फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, या फिर उस पर बीएससी का डस्टेड कर दें, ठीक है, या फिर शुड बी स्प्रे बाय 0.07% एंडोसल्फिन, ठीक है, या फिर स्प्रे करके।